तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। जिन लोग को नहीं पता कि हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, उन लोग को मैं बता देता हूँ कि हम लोग आए हुए अपने एक पुराने स्कूल फ्रेंड ग्लेशन के विलेज में। क्योंकि पुराने दोस्तों से भी तो बीच बीच में कभी कभी मिलना जरूरी है ना, तो बस चले आए हम लोग मुंह उठा के। कोई काम धंधा तो हमें है नहीं। बाकी ये है रेडली, ये हमारे स्कूल का बड़ा ही भयानक लड़का था, बट ये अभी कुछ कहना ही नहीं चाहता मुझसे। ये आ गया मेरा पहला मेरा प्यारा फ्रेंड ग्लेशन। ग्लेशन यार द मेयर ऑफ दिस विलेज। ओ तुम इस विलेज के मेयर बन गए। अरे वाह। बिफोर एनीथिंग एल्स आई वांट टू थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग अवर रिक्वेस्ट। अरे यार तुमने बुलाया और हम चले आए। विदाउट यू वी डोंट नो व्हाट टू डू विद द सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन यार? जूलिया, ग्लेशन की सिस्टर जूलिया। यार क्या बताऊं, जूलिया सी इज वेरी चैरिस्मेटिक। हाँ बहुत चैरिस्मेटिक है। एंड दिस इज ब्लूनो। ब्लूनो से बाद में मिलूंगा भाई, अभी जूलिया से मिलने दो ना। जूलिया केक बनाती है, इसका एक केक का दुकान है। हाँ भाई मेरे को केक भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे, केक भी अच्छा लगता है और ये केक बनाने वाली भी बहुत अच्छी लगती है। ये फंस गया सी है। बट हाँ बोलो तुम क्या बोले थे। हाँ हाँ मेरे को केक बहुत पसंद है। या आई लव इट केक। केक भी और वो भी। मी टू। आई ऑल्सो मेक होम मेड केक। भाई होम मेड केक बनाते हो तो कभी खिलाओ ना। ये तो नहीं कि दोस्त इतने दूर से आया तो उसको जरा केक खिला दे। मैं गरीब हूँ। कौन सी स्टोरी बता रहे? वन मंथ एगो साइंटिस्ट हैडसन वांटेड टू नो व्हाट वाज इन द डंजियन। साइंटिस्ट हैडसन एक बार जानना चाहता था कि डंजियन में क्या है। इट डिस्कवर्ड दैट मैजिक क्रिस्टल वेल हाइडिंग इन द डंजियन। उन्होंने एक खोज किया कि जो मैजिक क्रिस्टल्स है वो डंजियन में छिपे हुए हैं। ठीक है तो उससे हमको क्या भाई, ये तो बताओ। ओके कुछ नेक्स्ट स्क्रीन। हाँ ओके, यहाँ पे तो चार मैजिक क्रिस्टल्स के बारे में बताया गया। सो पावरफुल दैट इफ यू पुट देम ऑल टूगेदर इट वुड बी एबल टू डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। दैट्स व्हेन ही मीट हर। हर कौन? ये फीमेल कौन है कैरेक्टर? ये फीमेल कैरेक्टर मेरे को फीमेल नहीं लगती। सी थ्रेटन द साइंटिस्ट टू फाइंड दिस क्रिस्टल्स। उसने साइंटिस्ट को धमकी दी क्रिस्टल ढूंढने के लिए। विच विल अलाउ हर टू डोमिनेट द यूनिवर्स। वो पूरे यूनिवर्स पर डोमिनेट करना चाहती थी। मेरा मतलब है वो कोई ना कोई विलन ही होगी, तभी ना ऐसा करना चाहती थी। ये साइंटिस्ट हैडसन ये सबको बता रहे हैं। द साइंटिस्ट हैडसन ट्राइड टू अलर्ट ऑल द विलेजर्स टू अ बिग थ्रेट। मतलब साइंटिस्ट हैडसन ने सबको इस खतरे के बारे में आगाह करने की कोशिश की, बट शायद किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। भाई ऐसी चीजों पे जल्दी कोई बिलीव भी तो नहीं करता, जबकि सब लोग को करना चाहिए। कोई झूठ में थोड़ी ना बोलेगा, कोई पागल थोड़ी है। तो फिर साइंटिस्ट हैडसन ने क्या किया? ये चुपचाप बैठे थे। साइंटिस्ट हैडसन वाज सो पैनिक्ड एंड डिप्रेस्ड अबाउट द सिचुएशन। ओ तो बंदा डिप्रेशन में चला गया इस सिचुएशन के कारण। दैट ही डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ। उसने सुसाइड कर लिया। यार ये तो गलत हुआ उसके साथ, उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए था। हाँ तो भाई अब हमको क्या करना है इसके बारे में ग्लेशन? एंड नाउ वी ऑल लैगलेट नॉट बिलीविंग हिम। आप तुम लोग इस बात के लिए पछतावा कर लोगे, तुमने इसके बारे पे भरोसा नहीं किया। वी फाउंड डॉक्यूमेंट इन द साइंटिस्ट डेस्क दैट शो वेयर द क्रिस्टल आर हिडन। कुड यू यूज देम टू फाइंड क्रिस्टल इन द डंजन बिफोर एनी डेंजर ऑकर। मतलब तू चाहता है कि मैं कोई खतला आने के पहले इसकी मदद कर दूँ? ऑफकोर्स करेंगे यार, अगर दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेंगे तो क्या दुश्मन मदद करेंगे? मैं तेरी मदद बिल्कुल करूँगा। ओ माई गॉडनेस थैंक यू। अरे बिल्कुल बिल्कुल करूँगा यार। बिफोर वी स्टार्ट आई नीड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। करो, फर्स्टली टेक दिस, यू कैन टेल मी व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा इससे मेरे को एक हॉकी टॉकी, अच्छा टॉकी वॉकी है ये। सेकेंडली आई विल टेक यू टू अ लिटल विजिट ऑफ अवर विलेज टू लर्न अबाउट इट। अच्छा डकाओ विलेज का विजिट, ये तो हमारे विलेज बड़ा सुंदर है यार। इसका विलेज बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, क्या ही बोला जाए। ओ ओ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एवरीवन हैज अ हैप्पी लाइफ हियर। सब कोई बहुत खुशी से रहते हैं। बस ये डंजन वाला विलन आके प्रॉब्लम कर रहा है सबकी लाइफ में। कोई बात नहीं यार, हम लोग इस विलन को भी खत्म कर देंगे। इन द हाउस यू कैन बाय सम पोशंस फ्रॉम द टेलीफाइंग विजार्ड। अच्छा इस विलेज में एक विजार्ड भी रहता है। यू आर ओनली पर्सन इन द विलेज अलाउड टू इंटर। अच्छा मैं अकेला एक पर्सन हूँ जो बाहर का हूँ जिसे विलेज में बुलाया गया है, क्योंकि मैं तेरे दोस्त हूँ ना। बिहोल्ड द कैली स्टोर, यू कैन बाय वेपन्स फ्रॉम हिम। अच्छा ये बंदा हमें वेपन्स देगा। भाई देखो मैं तुम्हारे लोग को बचाने के लिए काम कर, तुम्हें फ्री में देना चाहिए। ये कौन है?
विदाउट फॉरगेटिंग अवर बेस्ट फ्रेंड टलनेप। अच्छा टलनेप, हेलो टलनेप भाई कैसे हो, इतना सैड सैड क्यों हो भाई। एंड थर्ड, दिस इज द एलिवेटर ऑफ डंजन, बट बिफोर यू इन देयर यू हैव टू गो एंड बाय वेपन्स फ्रॉम कैली। मतलब ये कहना चाहता है कि हमें कैली के पास जाकर थोड़े से वेपन्स खरीद लेने चाहिए। गो बाय वेपन्स इन कैली स्टोर। ठीक है भाई, मैं कैली के दुकान पर जाकर थोड़े से वेपन्स खरीद लेता हूँ, तुम मेरा वेट करना। चलो भाई, ये कैली का स्टोर कहाँ है, ये कौन है, ये तो कर्नल है, नहीं कर्नल नहीं यार, कैली कैली। हेलो कैली भाई कैसे हो, देखो मैं ग्रेशन का बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं विलेज में आया हूँ तुम सबको बचाने के लिए डंजियन वाले खटले से। यू कैन बाय, ओके ओके ओके, तुम मुझे वेपन्स बेच, पर तुम बेच क्यों लो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम्हें तो फ्री में मुझे देना चाहिए ना। चलो भाई फ्री में दे दो मेरे को वेपन्स, बेच क्यों लो, देखो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मैं तुमसे बचाने के चार्जेस तो मांग नहीं लाऊं, वेपन्स तो कम से कम फ्री में दे दो। ऐसे देखो ऐसे टाइप है बिजनेस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई तरीका है भीख मांगने का, ऐसे टाइम पर समाज सेवा पे ध्यान देना चाहिए। बट कोई बात नहीं, अपने वेपन्स बेच ही ले हो तो ठीक है। पॉइजन स्वॉर्ड 20 कॉइन का और मेरे पास अभी 16 कॉइन्स ही है। नहीं भाई, पॉइजन स्वॉर्ड में नहीं खरीद सकता यार, फ्री में दे देता, डिस्काउंट भी नहीं देता। फायर स्वॉर्ड 24 कॉइन का, इतना महंगा महंगा दोगे तो मैं कैसे खरीदूंगा। ओके ये है 16 कॉइन का और मेरे पास अभी 16 कॉइन ही है, बट मेरे को थोड़ा बचाना भी तो है। आई स्वॉर्ड ये है 12 कॉइन का, इसी को खरीद लूँ क्या, क्योंकि मैं अभी इसी को खरीद ही सकता हूँ और तो कुछ खरीद भी नहीं सकता। ठीक है भाई आइस वॉर्ड ले लिया, बट ये गलत बात है, इसको भी बिजनेस नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एवरीथिंग इन माई स्टोर, मे बी यू कुड गो टू सी विजार्ड, आई हियर द सेल पोशन। अच्छा ये जो विजार्ड है ये पोशन बेचता है, तो मतलब हम लोग के इसके पास जाना है इससे पोशन खरीदने के लिए। गो एंड मीट द विजार्ड। ओके भाई चलते हैं, विजार्ड से भी मिल ही आते हैं। किडल हो विजार्ड भाई, जूलिया जूलिया कैसी हो जूलिया, जूलिया से पहले पूरा मिशन कंप्लीट करके जूलिया के साथ ट्रेन पे जाएंगे। आई एम सॉरी बाबू। चलो 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 विजार्ड भाई किडल हो, ओ ये रहे विजार्ड गी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई नो वॉट यू आर डूइंग हेयर। अच्छा इसको इसको आपको कैसे पता कि हम यह क्या कर ले, लगता है ग्लेशियर ने बताया हो गया। यू कम टू ट्रेड सम पोशंस, राइट आई नो, हाँ भाई हम पोशन खरीदने आए हैं। आई नो एवरी थिंग, आप सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, सब कुछ जानते हो। इफ़ यू डोंट बिलीव मी यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई हैव आंसर फॉर एवरी थिंग। अच्छा चलो बताओ मेरे एक्स गर्लफ्रेंड का क्या नाम था। द फ्यूचर एंड ऑफ वर्ल्ड, गॉड एग्जिस्ट, चलो एक्स गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन तो है नहीं, चलो गॉड वाला ही पूछ लेता हूँ। इज गॉड रियल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है। आई टोल्ड यू आई नो एवरीथिंग, हाँ तुमने बताया था कि तुम सबको जानते हो तो आप बताओ ना। लाइक द फैक्ट आई नो द यूनिवर्स डिज नॉट क्रिएट इट्सेल्फ, हाँ भाई यूनिवर्स खुद से तो क्रिएट हो नहीं सकता, तो कोई ना कोई गॉड होंगे जिन्होंने ये सब बनाया होगा। खैर छोड़ो, पोषण पे आते हैं ना, पोषण आप दे रहे थे, पोषण दो भाई मेरे को, पोषण चाहिए। ओ ये अबाउट द पोषण्स, यस यस, अब जाके इस महाशय को याद आया कि मैं इसे पोषण लेने आया हूँ। आई गिव डैम अकॉर्डिंग टू योर लेवल, अच्छा आप हमारे लेवल के अनुसार हमें पोषण देंगे। आई डोंट नीड मनी सो यू कम बैक वैन यू आर लेवल वन, अच्छा इस बंदे को पैसों का लालच नहीं है, चलो ये तो अच्छा है, लेकिन इसको इसके लिए मेरे को लेवल वन चाहिए होगा और अभी मैं जीरो लेवल पे हूँ, मतलब अभी जनाब हमें कोई भी पोषण नहीं देने वाले। कोई बात नहीं विजार्ड भाई, हम लोग जैसे ही लेवल वन पे आएंगे मैं तुमसे पोषण लेने आ जाऊँगा। चलो आ गया, ओके ओके, अब मेरे ख्याल से मेरे को डंजन के अंदर चलना चाहिए, मेरे को डंजन में जाना, यही हमारा नेक्स्ट मिशन भी है। चलो भाई डंजन में ही चलते हैं। ओके चलो, ओ ओ ओ ये डंजन तो काफ़ी दूर है लगता है। जूलिया कैसी हो जूलिया, मेरे को केक खिलाओगी ना। ओ हाय हाय जूलिया, यू नो, हाँ बताओ, सिंस ग्लेशन इज माई ब्लड डल, हाँ मैं जानता हूँ तुम ग्लेशन की सिस्टर हो इसलिए तुम मेरे को पसंद भी हो। आई गेट फ्री केक एवरी डे, अच्छा तुम्हें फ्री में केक मिलता है, मुझे भी कभी खिलाओ ना, अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगा मैं केक। चलो 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 अभी इधर से काम कर लेते हैं, उसके बाद जूलिया को लॉन्ग ड्राइव से लेके चलो। चलो जल्दी से डंजन वाला काम करना है, ये पूरा काम करके एकदम विलेज के सामने हीरो बन के जूलिया को इम्प्रेस करना है। तुमसे ना हो पाएगा। द डंजन इज फुल ऑफ एसिड, अवॉइड फॉलिंग इन। अरे डंजन के अंदर एसिड है,
भाई एसिड में अगर मैं गिर गया तब तो मर जाऊंगा ना। संभल के चलना होगा। मेरे ख्याल से दोनों साइड मेरा एसिड ही है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक डायमंड की स्वॉर्ड है। ओ ज़ॉम्बीज, यार ज़ॉम्बी मुझे तुम्हारी किडनी याद आ रही थी। ओहो, ये ज़ॉम्बीटो आइस फ्रीज हो गए, ज़ॉम्बीटो फ्रीज हो गए। यही तो मुझे चाहिए था। सही है, अच्छी बात है। ये सही है भाई, ये अगर ऐसे जम जा रहा तब इनको मारने में भी आसानी होती है। ऐसे ही जमे लाओ तुम लोग बलफ में, मैं तुमको मार के ख़त्म करके यहाँ से निकल भी लूँगा। चलो, ये लास्ट बचा है इसको मार के। ओहो, ये तो एक्सपी थोड़ा अजीब सा मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, कैसी भी एक्सपी मिलेगी, एक्सपी से मतलब है हम लोग को। ओके, भाई क्या मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। एक्सपी इन्वेंटरी में आती नहीं है ना। ओके, मेरे पास डायमंड के स्वॉर्ड है, और आगे भी चलते। बड़ा अंधेला है यार, इतने अंधेले में तो मैं कुछ दिखता भी नहीं है। कॉइन्स, हमें कॉइन्स को कलेक्ट करना है। ये कॉइन देके हमको उससे क्या कहते हैं, उस रेडली से खरीदना भी तो है वेपन्स। चलो, उधर भी एक जॉम्बी है, इधर भी एक जॉम्बी है, दोनों जॉम्बीज को मारना होगा। आ जाओ मेरे जॉम्बी प्याले, ला जा तेरी याद सताए, आ जा। खत्म, आ भी गया, चला भी गया। वहाँ पे थोड़े से कॉइन्स है, उन कॉइन्स को भी मेरे को कलेक्ट कर लेना चाहिए। चलो कॉइन भैया, आप लोग भी आ ही जाओ, आपकी मेरे को बहुत ज़रूरी है वेपन्स खरीदने में, वरना वो लालची आदमी तो बिना पैसे लिए वेपन्स भी नहीं देता। चलो, ओके। ए कौन, पीछे से हमला नहीं करने का, पीछे से ढप्पा नहीं करने का, मेरे को लुक्का छुपी का खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सचूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। ओ नहीं, वो तो ये तो उल्टा जा रहा हूँ मैं, उढ़ल जाना है मेरे को। चलो, ओके। ये डंजियंस तो काफ़ी लंबे विशाल बले है भाई। इधर एक बटन दबा, नहीं ये दबेगा नहीं, बटन नहीं पत्थर है। बाकी वहाँ पे और ज़ॉम्बीज है, मेरे ख्याल से इधर से लास्ट होगा नीचे जाना है। चलो भाई इधर से ही चलते। ओ, यहां से मेरे को ऊपर जाना है। अच्छा, ये सीढ़ी था, और ये ज़ॉम्बी भी है यहां पे। कोई बात नहीं भाई, ज़ॉम्बी रहो आप यहीं पे, मैं आपको यहीं से ख़त्म कर लूँगा। चलो मर गया, दोनों ज़ॉम्बी मर गया। चलो, अब इधर से थोड़ा सा रोशनी मिला है, मतलब यहाँ तो एकदम अंधेरा था। अब यहाँ से मेरे को कैसे जाना होगा, इधर यहाँ से लास्ट है। एक तो इतना अंधेरा है ना भाई कि कुछ दिख भी नहीं रहा। यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी है, उसको भी मारना पड़ेगा। अरे भाई ज़ॉम्बी भैया, मारा जाओ ना, क्यों मेरे को इतना दिमाग खराब कर रहे हो? एक तो इतने अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलो, आखिरकार पहुँच गए। यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए और ज़्यादा। बाकी यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी है, यहाँ पे भी एक ज़ॉम्बी है। ये ज़ॉम्बी तो अंधेरे में गायब ही हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, जितने भी ज़ॉम्बी जो सबको हम लोग ख़त्म कर ही देंगे। ओके, ख़त्म। मर जा मेरे भाई, मर जा तू। फिर से इधर और कोई ज़ॉम्बी है? नहीं भाई, यार डंजन तो बहुत लंबे चौड़े है, इसमें तो मैं खो जाऊँगा नहीं। रास्ता मैं किधर से आया था और किधर जा रहा हूँ? मैं रास्ता भटक गया डंजन के अंदर। अरे बाप रे, मैं तो डंजन के अंदर रास्ता ही भटक गया। अब मैं कहीं जिंदगी भर के लिए यहाँ फंसा तो नहीं ना ला जाऊँगा? ए ज़ॉम्बी, मेरे को रास्ता बता दे, वरना मैं तेरे लिए नलक का द्वार खोल लूँगा। ठोका इसने नलक का द्वार, मेरे को नहीं ठोका इसने नलक का द्वार ठोक दिया है। चलो, इधर से फिर से रास्ता है। ये मेरे ख्याल से बाहर जाने का रास्ता है क्या? अरे भाई, मैं डंजन में फंसा पा रहा हूँ, मुझे तो अब क्रिस्टल भी नहीं दिख रहा मेरा। वो वहाँ यहाँ तो पूरा अंधेला है, इतने अंधेले में मैं जाऊँगा कहाँ भाई? पर जाना तो पड़ेगा ही। चलते हैं यार, अब क्या ही कर सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये कौन सी दुनिया है भाई? ये मैं क्या कोई अलग ही प्रजाति की दुनिया में आ गया क्या? यही है मशरूम्स? ये मेरे को डैमेज दे रहा है, मेरे को इनको मारना ना पड़ेगा अगर मेरे को डैमेज दे ले तो। ये क्या है? अच्छा, ये मशरूम जंपिंग जबाक है। चलो ये मस्त है भाई।